पिछले कुछ दिनों में शुगा के इंसिडेंट के बाद कई लोग ये न्यूज वायरल कर रहे थे कि आर्मीज नहीं चाहती कि शुगा बीटीएस में रहे। कई लोगों ने जब बिग हिट की बिल्डिंग के बाहर काफी ज्यादा बेकार से फ्लावर्स भेजे थे, जिनको आप फ्यूनरल फ्लावर्स भी कह सकते हो, या फिर प्रोटेस्ट ट्रक्स भी भेजे थे इस बात को प्रमोट करने के लिए कि वो नहीं चाहते कि शुगा इस ग्रुप में रहे, तो हर एक मीडिया ने, हर एक आर्टिकल ने यही बोला कि ये आर्मीज ने भेजा है। कुछ लोगों ने तो इसको टेस्टिफाई भी किया और उनका कहना था कि ये पता चला है कि खुद बीटीएस आर्मीज नहीं चाहती कि शुगा इस ग्रुप का मेंबर रहे। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पर आर्मीज ने इस चीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आवाज उठाई है और कई सारे लोग इस पर बातें भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर अचानक से आर्मीज को क्या हुआ कि आर्मीज पहले नहीं चाहती थी कि शुगा इस ग्रुप में रहे, और क्यों अब आर्मी शुगा को ही सपोर्ट करने लगी है? तो ये सब कुछ जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, रिसेंटली कई सारे आर्मीज ने ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक नई कैंपेन स्टार्ट करी है, जहाँ पर उनका कहना है कि जितने भी आर्टिकल्स और जितने भी लोगों ने ये क्लेम किया कि आर्मीज चाहती है कि शुगा बीटीएस में ना रहे, वो सब झूठ है। कई आर्मीज ने बताया कि जिन लोगों ने भी फ्यूनरल फ्लावर्स और ट्रक्स भेजे थे, बाद में पता चला है कि वो दूसरे फैंडम के फैंस हैं या फिर बीटीएस हेटर्स हैं। उनमें से कोई भी बीटीएस आर्मी नहीं है। वो लोग बस बीटीएस आर्मीज का नेम यूज करके शुगा को ग्रुप से निकालने की कोशिश कर रहे थे और बीटीएस आर्मीज को भी बदनाम कर रहे थे। यानी एक तरीके से बोला जाए तो एक तीर से दो निशाने। ये हेटर्स बस यही चाहते थे कि शुगा आर्मीज की हेट्रेड देखकर इस ग्रुप को छोड़कर चले जाए, ताकि बीटीएस का ग्रुप टूट जाए और आर्मीज की इस हरकत की वजह से आर्मीज भी एक दूसरे से लड़ने लगे और आर्मीज का फैंडम भी बिखर जाए। लेकिन ये हेटर्स नहीं जानते कि इन्होंने जिससे पंगा लिया वो बिगेस्ट फैंडम है इस वर्ल्ड का। और दोस्तों, ये फैंडम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे और गहरे बॉन्ड के साथ रहता है, और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन आर्मीज और बीटीएस का साथ कभी भी नहीं। और दोस्तों, कई सारे आर्मीज ने कहा है कि जो भी लोगों ने आर्मीज को बदनाम किया है और बोला है कि आर्मी शुगा के अगेंस्ट थी, अगर उन लोगों ने अपने इन आर्टिकल्स को चेंज नहीं किया और ये बात नहीं बोली, ये बात नहीं मानी कि आर्मीज नहीं थी ये सब करने वाली, तो आर्मीज उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। तो फाइनली आर्मीज अपने बीस्ट मोड पे आ चुकी हैं अपने शुगा को सपोर्ट करने के लिए, और बीटीएस आर्मीज का फुल सपोर्ट अब शुगा को मिल रहा है इतने टाइम बाद, जहां पर आर्मीज का नेम यूज कर करके लोग शुगा को और बीटीएस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि आर्मीज कमजोर नहीं है, आर्मीज फिर से एकजुट होकर बीटीएस को सपोर्ट करने के लिए आगे आ चुकी हैं, क्योंकि बीटीएस के सबसे बड़े सपोर्टर्स आर्मीज ही हैं और आर्मीज के बिना बीटीएस कुछ नहीं है और बीटीएस के बिना आर्मीज भी कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि आप इस कैंपेन में आर्मीज के साथ में हो या नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।